Hello everyone, this is Yogdesh Srivastav and welcome to Quantity. Friends, कैसे हैं आप? I hope आप एकदम ठीक होंगे friends. मेरी education qualification है, आप चाहें तो video pause करके इसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था control and coordination के बारे में पढ़ा था friends. एक quick revision करेंगे. ठीक है, एंड रिवीजन से पहले फ्रेंड्स मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. अप्रिसिएशन मिला है यूट्यूब की ओर से. चैनल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह आप हैं. आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए और अपने आउटपुट्स मुझसे शेयर कीजिए. ठीक है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. ठीक है, सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यही हमारा मोटिवेशन है. जब आप लाइक करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है जिसकी वजह से हम ये सारे काम जो हम करते हैं. बहुत मेहनत लगती है एक एक लेक्चर बनाने में फ्रेंड्स, कई कई घंटे गुजर जाते हैं. हमारा पर्सनल अपना भी काम होता है तो उसको भी करना होता है, अपनी भी स्टडी है उसको भी कंटिन्यू करना होता है, और फिर ये भी करना होता है. तो फ्रेंड्स एक बड़ा टाइम इन्वेस्ट होता है, तो कोई अगर इंक्रीजमेंट ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो इसलिए थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. तो चलिए पॉइंट पे आते हैं. कल हमने पढ़ा था व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कौन कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है, इसके बारे में हमने जाना था. नर्वस सिस्टम के बारे में हमने जाना था कि क्या होता है नर्वस सिस्टम, किस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम करता है, क्या होता है. अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो पिछले वाले वीडियो पे जाके आप इजीली पढ़ सकते हैं. ठीक है, और ये देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था रिफ्रैक्ट सेक्शन. ठीक है फ्रेंड्स, रिफ्रैक्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे. हमें यहाँ से रिफ्रैक्ट सेक्शन से पढ़ना था, पर हम रिफ्रैक्ट सेक्शन पढ़ेंगे बट ब्रेन पढ़ने के बाद, ह्यूमन ब्रेन पढ़ने के बाद. क्योंकि जब मैं ह्यूमन ब्रेन आपको पढ़ाऊंगी, आफ्टर दैट आपको रिफ्रैक्ट सेक्शन थोड़ा इजीली समझ में आएगा. समझ में अभी भी आपको आ जाएगा, पर एक एक फ्लो चार्ट बनता है, वो आपको तब बनेगा जब मैं आपको पहले ब्रेन पढ़ाऊंगी तब रिफ्रैक्ट सेक्शन पढ़ाऊंगी. जिनको रिफ्रैक्ट सेक्शन पहले पढ़ना है तो वो मेरा थर्ड वीडियो पहले देख लीजिएगा, सेकंड वीडियो बाद में देखिएगा. ठीक है, आपकी विश है, पर मैं आपको पहले ब्रेन पढ़ाना चाहूंगी, ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है जो बहुत कॉम्प्लेक्स नजर आता है. ठीक है, ब्रेन को पढ़ना एक ब्रेन का काम है, ये मेरे टीचर कहा करते थे. ठीक है, ब्रेन को ब्रेन से पढ़ा जाता है. तो कहते हैं कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यही समझ में आता है, पर आज हम ये ही देखेंगे कि कैसे समझ में नहीं आता, इसे समझ में आना होगा. ठीक है, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं. ब्रेन के बारे में तो सब लोग बचपन से ही जानते हैं, क्या काम करता है ये भी जानते हैं, बट अब इसके पार्ट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे. ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये ह्यूमन ब्रेन है. आप देख पा रहे हैं कि ये क्लोज एरिया में है. आप ये देखेंगे कि ये जो अपर एरिया है ये बहुत हार्ड है. ठीक है, ये क्रेनियम के अंदर बंद है. आप इसको स्कल बोल सकते हैं, आप इसको क्रेनियम बोल सकते हैं. ये जो बोन है इसके अंदर बंद है. इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर ये जो ब्रेन होता है वो तैरता रहता है. ठीक है, फ्लूइड के अंदर क्यों होता है? अब आप देखिए, बैलून के अंदर आप कोई सॉफ्ट चीज डालेंगे, बैलून के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर कोई सॉफ्ट चीज डालते हैं और उसके बाद में बैलून को फेंकते हैं, तो उस चीज के टूटने की संभावना बड़ी कम हो जाती है. जबकि अगर उस बैलून में पानी वगैरह कुछ भी नहीं भरा हुआ है और आप उसको फेंकते हैं तो वो इजीली टूट जाएगी कोई चीज. क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो चीज नहीं टूटती है. समझा पा रही हूँ मैं अपनी बात को? इसी वजह से कि ये जो ये स्कल होता है, स्कल के अंदर यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है जिसके अंदर ये ब्रेन रखा हुआ होता है. ठीक है, तो इससे हेल्प होती है उसको प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये नहीं होगी यहीं से आपकी, आप ब्लिकिंग ऑफ आईज भी करते हैं ना, पलक झपकाते हैं तो वो भी यहीं से कोऑर्डिनेट होता है. आप सांस लेते हैं वो भी यहीं से कोऑर्डिनेट होता है. एवरीथिंग जो होती है सब कुछ यहाँ से कोऑर्डिनेट होता है. आपको खाना खाना है, आपको भूख लगी है तो आपको यहीं पे पता चलेगा. आपको भूख खत्म हो चुकी है, खाना खा के आपकी भूख खत्म हो चुकी है तो भी यहीं से पता चलेगा.
आपको कब और कितनी सांस लेनी है वो भी यहीं से पता चलेगा। सब कुछ ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो होती है वो मैनेज होती है तो यहीं से होती है। इसीलिए उन्हों वो कहते थे कि ब्रेन को पढ़ना ब्रेन का काम है, ठीक है, दिमाग को दिमाग से ही पढ़ा जा सकता है। तो इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक नॉलेज है जिसको हम देख सकते हैं। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि स्कल के अंदर ये एंक्लोज होता है, यानी स्कल से घिरा हुआ होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 22 बोन्स इसमें पाई जाती हैं, और 14 बोन्स जो होती हैं वो फेशियल बोन होती हैं, और बाकी जो 8 होती हैं वो क्रेनियल बोन्स होती हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर मैंने अभी आपको बताया फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड का नाम क्या होता है? तो फ्लूइड का नाम होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, तो क्या ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये सिर्फ आपकी हेड रीजन में पाया जाता है, जहां पे हेड रीजन में जहाँ ब्रेन होता है क्या वहीं पाया जाता है? फ्रेंड्स जो ब्रेन होता है ना, हमें क्या लगता है कि ये जो हेड का एरिया है इतना इतने एरिया में आपके ब्रेन है, जबकि ब्रेन आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक रन करता है। पूरा ब्रेन का पार्ट ऐसे तो पूरी बॉडी में रन करता है, पर होल स्पाइनल कॉर्ड तक ये रन करता है। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड आप देख पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी की बैकबोन पे वार मत कीजिए, उससे पैरालिसिस हो सकता है। कौन सी नर्व उसकी दब जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी जो बैक होती है, बैक साइड में आपकी जो बैकबोन होती है उसके अंदर भी एक ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। ब्रेन जो होता है दैट इज डिवाइडेड क्लासिफाइड इंटू थ्री मेन पार्ट्स, जिसको हम कह सकते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस एंड सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, दूसरा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा एएनएस, ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये तीन पार्ट होते हैं। तो जो सीएनएस होता है उसका जो पार्ट होता है ये देखिए, ये जो एरिया और प्लस आपकी ये जो बैकबोन के अंदर की जो स्पाइनल कॉर्ड रीजन है उसको मिला के आप सीनस बोल पाएंगे, ठीक है। तो वो भी पार्ट जो होता है वो ब्रेन का ही होता है, ये काफी लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं इस पार्ट को बता देती हूँ। तो जो फ्लूइड, ऑब्वियसली अगर ब्रेन का पार्ट या स्पाइनल कॉर्ड भी है तो वो जो फ्लूइड होगा जिसका नाम था सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो वो केवल इस एरिया में नहीं पाया जाएगा, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाएगा। गॉट माई पॉइंट? और ये किससे सीक्रेट होता है? वो इन सेल्स से सीक्रेट होता है, बिल्कुल भी आपके काम की नहीं है, बट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इधर लिख दिया था कि फर्दर कभी आपको समझ में आ पाए, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ, ये जो ब्रेन होता है ना इसको मीठा बहुत पसंद होता है। एग्जैक्टली जो ब्रेन होता है, ब्रेन का खाना जो होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। क्या लेता है? ग्लूकोज लेता है ब्रेन। इसलिए जो अल्कोहलिक पीपल होते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, शराब लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो जब नेक्स्ट डे उनको हैंगओवर हो जाता है। सुना है हैंगओवर हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ब्रेन को चाहिए था ग्लूकोज, आपने पिला दिया अल्कोहल, अल्कोहल की मात्रा आपकी बॉडी में हो गई ज्यादा, अब वो दिमाग पे चढ़ेगा और क्या होगा? हैंगओवर, ठीक है। आपका दिमाग स्लो स्पीड में करेगा, ठीक है, उस समय एक्साइटमेंट होगा, उस समय आपका दिमाग बहुत तेजी से काम कर सकता है, नहीं भी कर सकता है पर कर सकता भी है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस होके काम करेगा, बाकी सारी डायरेक्शन को तोड़ के, तो ऑब्वियसली बहुत एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगा तो मे बी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत तेजी से काम करे, ठीक है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तेज या धीमा वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट हैंगओवर जो होता है वो डिपेंड्स ऑन इट, ठीक है। आपका ग्लूकोज कम हो जाता है बॉडी में तो सिर में दर्द होता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है ग्लूकोज, जो कि हम बियर की वजह से कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें मूव होना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप देख पा रहे होंगे इसको और इसको, अब आप अच्छे से मेरे ख्याल से ब्रेन को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 2 मिनट आप जरा ध्यान से देखिए, क्या ये सारे एरियाज आपको एक साथ कोऑर्डिनेट होते दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, ये एरिया एंड ये एरिया, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ रहा है हम ब्रेन में किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ पे आपकी हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपके में डिवीजन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वो दिया है ब्रेन को थ्री पार्ट्स में। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, कौन सा? हाइंड ब्रेन। समझा पा रही हूँ मैं आपको? कौन कौन से पार्ट हो गए फ्रेंड्स, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन को किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया? तीन पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। आपकी जो बुक में क्लासिफिकेशन दिया है, मैं उसके अनुसार समझा रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आपको बहुत जगह बहुत ज्यादा मैटर मिलेगा, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। देखिए, स्टडी का कोई सीमा नहीं होती। लोग ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट के पर्टिकुलर फंक्शन पे पूरी पीएचडी निपटा लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोई अंत तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी आपको केवल उतना ही समझाऊं जितनी आपकी उम्र है और जितना आपके सिलेबस में है। ठीक है, ताकि आप ठीक से समझ पाए, आपका बेसिक जो है वो मजबूत हो पाए, तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, बट इन दिस वीडियो हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके 10th CBSE के सिलेबस में। ठीक है, तो ये देखिए, ये इनका फोर ब्रेन है, ये इनका फोर ब्रेन है, ये इनका मिड ब्रेन है, ये इनका मिड ब्रेन है। ठीक है, और ये इनका हाइंड ब्रेन है, ये देखिए ये एरिया, ये इनका हाइंड ब्रेन है, ये एरिया। ठीक है, अब एकदम चीज क्लियर है, दिमाग में इस डायग्राम को बैठा लीजिए। यही डायग्राम आपकी बुक का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए, फिगर 7.3 है ह्यूमन ब्रेन का। सेम डायग्राम को ही मैं यूटिलाइज करूंगी बार बार। वजह सिर्फ ये है कि आपको ये डायग्राम समझ में आए, और एक ही डायग्राम से आपको पूरा ब्रेन समझ में आए। मैं नेक्स्ट डायग्राम यूज ही नहीं करना मुझे, मैं चाहती कई डायग्राम इसमें यूज कर सकती थी, पर फिर आप कंफ्यूज हो जाते, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसी डायग्राम में जो कमियां हैं मैं पूरी करूंगी, पर आपको पढ़ाऊंगी इसी डायग्राम से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। पार्ट ऑफ ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, दिस हाइंड ब्रेन, सही है? तो चलिए आगे चलते हैं फोर ब्रेन पर। ठीक है, सुना है आपने माथा? ठीक है, ये जो माथा एरिया होता है, ये देखिए, ये इसको माथा बोलता है। ये जो इतना एरिया है, ये क्या है? आपका फोर ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, इसमें क्या क्या होता है? इसके तीन पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ठीक है, समझा पा रही हो? कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। सेरेब्रम जो कि यहां पर है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो कि यहां पर है, थैलेमस जो कि हाइपोथैलेमस के ऊपर का पार्ट है। ठीक है, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस यहां का पार्ट है। समझा पा रही हूं मैं आपको? ठीक है, अब देखिए इसकी क्वालिटी क्या है कि ये देखिए, ये लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, आई एम सॉरी, ये सेलेब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। और बड़ी क्वालिटी ये है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स कौन कौन से? पाइसेस से लेके मैमल तक। ठीक है, अब इसके बारे में और आपको जानकारी लेनी है तो अभी बहुत जल्दी मैं 9th क्लास का लेक्चर तैयार करूंगी, तो उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और होगा, मेरी एक आपको मैं सलाह देना चाहूंगी कि जो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप अपने आसपास की लाइफ से कोऑर्डिनेट करते हुए पढ़िए। इससे पता है दो फायदे होते हैं। एक ये फायदा होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको याद नहीं रखना पड़ता, तो एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आप उसको, क्योंकि लाइफ में उतार चुके होते हैं, तो कभी कभार जब आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ इश्यूज वगैरह हो रहे हैं,
तो आप उसको उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या ये तो चलिए बायोलॉजी है तो आप इसे हर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बाकी जो नॉलेज होती है वो लाइफ में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यूटिलाइज होती है, पर वो तभी यूटिलाइज होती है जब आप उसे अपनी डेली रूटीन लाइफ में लेके आते हैं, ठीक है, आप उसके लिए यूज हो जाते हैं। तो मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि ब्रेन थोड़ा सा एक लेंथी है, बट अगर आप उसको कोऑर्डिनेट करके चलेंगे अपने आसपास की जीवन से तो आप इजी कर ये इसको समझ पाएंगे। मैं बहुत बहुत अच्छे से लुब्रिकेशन करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कुछ भी लेंदी ना लगे, पर इसको आप लेंदी ना समझें और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें तो, और इसको थोड़ा खुश होके पढ़ें, खुश होके पढ़ते ना तो वो चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, वहीं आप बंद के या एक फोर्सफुली पढ़ते हैं तो वो चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। तो चलिए आते हैं फोर ब्रेन के फंक्शन पे। तो ये क्या कहता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है, ऐसा तो नहीं है बढ़ जाता है, आप कहेंगे बुखार आ जाता है तो बढ़ जाता है, जी बुखार आ जाता है तो बढ़ जाता है, पर क्या होता है वो बढ़ता इसलिए है ताकि आपके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल आउट किया जा सके, ठीक है, क्योंकि वो एक हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और बाद में जब उनको किल आउट कर दिया जाता है तो कम कर दिया जाता है, या फिर हम कुछ एंटीबायोटिक ले लेते हैं जिसकी वजह से वो किल आउट हो जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, आपका फोर ब्रेन, ठीक है। और इमोशंस जो होते हैं, कुछ लोग इमोशनली बड़े पावरफुल होते हैं, कुछ लोग छोटी बातों पर रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सब कहाँ से कंट्रोल होता है, वो भी फोर ब्रेन से कंट्रोल होता है। भूख आपको लगती है, किसी को बहुत कम लगती है, कोई बहुत बड़ा भुक्कड़ होता है तो वो कहाँ से कोऑर्डिनेट होता है, वो भी यहीं से। किसी को बहुत कम नींद आती है, किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है, तो वो सब भी का कोऑर्डिनेट होता है यहाँ से, ठीक है। समझा पा रही हूँ मैं आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। देखिए जिन जिन के फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हीं को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज मैं छोटे में उनको खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी आपका बेस बने, ठीक है। तो आगे बढ़े, ये देखिए सेरेब्रम, सेरेब्रम कौन सा वाला पार्ट है आपका, ध्यान से देखेंगे हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं, हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, देखिए इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक होता है सेरेब्रम और दूसरा होता है सेरेबेलम। तो देखिए ये रहा सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम। तो इन दोनों में गलती से भी कंफ्यूज मत होइएगा, सेरेब्रम ऊपर का पार्ट, सेरेबेलम जस्ट नीचे यहाँ पे, ये देखिए ये रहा सेरेबेलम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेल घंटी यहाँ से बजती है नीचे से, जब मम्मी पीछे से एकदम टक करके मारती है फिर तो एकदम घंटी बज जाती है, आपको सारी चीजें याद आ जाती है, ठीक है, जस्ट याद करने के लिए आपको बता रही हूँ। तो ये बेल है, जो घंटी है वो नीचे की ओर है, और जो सेरेब्रम है वो जस्ट उसके अपोजिट साइड में, यानी यहाँ की ओर है, ठीक है, हो गया। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सेरेब्रम जो है इसका फंक्शन क्या है, जस्ट कम है। तो देखिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस किस चीज के लिए, अगर आप सोचते हैं तो किसके लिए, कोई डीप थिंकिंग होती है तो किसके लिए, कौन जिम्मेदार होता है, सेरेब्रम। आपकी इंटेलिजेंसी कैसी है, किससे डिसाइड होता है, सेरेब्रम से। आप कितने कॉन्शियस रहते हैं, आपको होश रहता है या फिर कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, ये किससे कोऑर्डिनेट होता है, सेरेब्रम से। आपकी याददाश्त कहाँ से आती है, सेरेब्रम से। टच कोई करता है तो कैसे पता चलता है, कोई बोलता है तो कैसे सुनाई देता है, दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है, ये सारे फंक्शन कौन करता है, आपका सेरेब्रम। गॉट माई पॉइंट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, ब्रेन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन सी चीज कर रहा है, सोच रहा है, आपको इंटेलिजेंट बना रहा है, आप कितने कॉन्शियस रहते हैं, इस चीज को जज कर रहा है, आई एम सॉरी, इस चीज को रेगुलेट कर रहा है, आप कितनी याददाश्त कितनी तेज या कम हो सकती है इसको रेगुलेट कर रहा है, आप टच को फील करते हैं, सुनते हैं या देखते हैं। तो सुनना और देखना, कान और आंख, ठीक है, आंख कान होता है, तो ये आंख कान जो है ये एक ही जगह से रेगुलेट होता है, कहाँ से रेगुलेट होता है, सेरेब्रम से रेगुलेट होता है, ठीक है, टच भी यहीं से रेगुलेट होता है।
तीन सेंसेस तो यहीं से रेगुलेट हो रही है, पांच में से तीन सेंसेस यहीं से रेगुलेट हो रही है। ठीक है, समझा पा रही हूं मैं आपको, इजीली आपको याद हो जाएगा। सोचना है तो यही सोचना है, सोचने को समझना है यानी इंटेलिजेंस है तो वो भी यहीं से है, और अवेयर रहना है तो भी यहीं से, और सोचे हुए समझे हुए को अवेयर होने को याद रखना है तो भी यहीं से याद रखना है, और यदि कुछ भी टच होता है तो, सुनाई देता है तो, और दिखाई देता है तो, वो सब सेरेब्रम से ही रेगुलेटेड होता है। व्हाट माय पॉइंट। चलिए तो अभी सेरेब्रम समझ में आ गया अच्छे से। सेरेब्रम कौन सा पार्ट था, कौन सा पार्ट था सेरेब्रम, ये देखिए दिस वाज सेरेब्रम। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के पास जाइए। देखिए हाइपो जो वर्ड होता है ना, आई एम सॉरी थैलेमस, ठीक है थैलेमस, उसके बाद में हम जाएंगे हाइपोथैलेमस में, तो पहले थैलेमस के पास चले जाते हैं। देखिए हाइपो जो होता है, हाइपो किसी भी चीज के एंड के, हाइपो मतलब नीचे, ठीक है समथिंग किसी के नीचे कहते हैं, इट्स हाइपो, हाइपो एरिया। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस यानी थैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीजों में डील करता है, तो ये सेंस ऑर्गन्स में डील करता है। ठीक है, और मोटर इंफॉर्मेशन को कहता है, मोटर मैंने आपको बताया था सेंसरी एंड मोटर, आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, आप सेंस करते हैं यानी आपको सेंस किया कि आपने गर्म चीज को छुआ, और मोटर यानी आपने अपना हाथ पीछे हटा लिया। ठीक है, तो वो मोटर नर्व से रेगुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, मोटर इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, मूवमेंट करते हैं तो भी थैलेमस के थ्रू होता है। और हम कई चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो एरिया है वो लिम्बिक रीजन में पाया जाता है, जो ये जो थैलेमस है वो लिम्बिक रीजन में पाया जाता है, जो कि लिम्बिक रीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि नई नई मेमोरीज बनाने में, पुराने पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर करने में। आप देखिए पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर जब आप करते हैं तभी उनके बेस पर आप नए एक्सपीरियंसेस को लेते हैं ना, उस पर काम करते हैं ना, तो ये थैलेमस उस लिम्बिक रीजन में पाया जाता है जो कि इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके बाद कहाँ पे आएंगे, थैलेमस के बाद हम कहाँ पे आएंगे, हाइपोथैलेमस में, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट रोल्स ये लेता है। देखिए इम्पल्सिस को रिसीव करता है, कोई भी इम्पल्स आता है, इम्पल्स कहाँ से आएगा आपका, इम्पल्स मैंने आपको बताया था जब न्यूरॉन्स आपस में, न्यूरॉन इस तरह से लिंक आपको बताया था, तो ये इम्पल्सिस लेके आते हैं। तो इम्पल्सिस को कौन रिसीव करता है, हाइपोथैलेमस रिसीव करता है। ठीक है, तो इम्पल्सिस को आपके सेंसरी ऑर्गन से इम्पल्सिस आते हैं उनको रिसीव करता है। ठीक है, तो इम्पल्सिस आते हैं तो कौन रिसीव करता है आपका, हाइपोथैलेमस, और ये भी बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आपका मूड कैसा है ये भी डिपेंड करता है किस पे, हाइपोथैलेमस पे। ठीक है, आपके मूड्स और इमोशंस को ये कंट्रोल करता है। अब देखिए टेस्ट एंड स्मेल का जो सेंस होता है, टेस्ट एंड स्मेल का जो सेंस होता है, आप कोई चीज टेस्ट करते हैं, आप कोई चीज स्मेल करते हैं तो आपको वो अच्छी लग सकती है, आपको वो बुरी लग सकती है, आपको वो अच्छी लगेगी या फिर आपको वो बुरी लगेगी, ये कौन डिसाइड करे, डिसाइड करेगा आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके सिवा ये क्या करता है, आपके जो एसेंशियल हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स आपके शरीर में जरूरी होते हैं उनको रिलीज करवाता है। ठीक है, और फिर क्या है कि ये कुछ मैसेजेस जो होते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था ना, नर्वस सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप, ANS, CNS, ANS एंड PNS, तो उसमें जो ANS होता है ना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, उसके साथ ये मैसेजेस में कोऑर्डिनेट करता है। इसको आप याद रख नहीं समझ पा रहे होंगे, अभी छोटे हैं आप समझने के लिए, तो कोई बात नहीं, इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और एपेटाइट या फिर पैरालिसिस की रेट वगैरह जो होती है, आई एम सॉरी नॉट पैरालिसिस, इट्स अ पैरिस्टाइटिस,
मतलब इस तरह से मूवमेंट होता है, ये ना ये देखिए इस तरह से ये मूवमेंट होता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, इसके थ्रू जो आपका जो फूड है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो किससे जो होता है, हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। फिर ब्लड प्रेशर है वो भी इससे रेगुलेट होता है, ठीक है। इसके सिवा हार्ट बीट जो होती है वो भी इससे रेगुलेट होती है। आपको भूख लगती है वो भी यहाँ से होता है रेगुलेट कुछ कुछ अमाउंट में, ठीक है। आपको फीलिंग हो गई, भर गया आपका पेट, भर गया, किससे रेगुलेट होगा, यहीं से रेगुलेट होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें कहाँ से रेगुलेट होती हैं, वो यहीं से रेगुलेट होती हैं। और देखिए, एक आपने सुना होगा पिट्यूटरी द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, ये देखिए ये वाली पिट्यूटरी। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की, ठीक है। तो इस पिट्यूटरी को रेगुलेट करने के, इसमें पिट्यूटरी को कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, ये जनरली इस हाइपोथैलेमस के थ्रू बताया जाता है कि पिट्यूटरी जी ये हार्मोन दे दीजिए। फिर ये जाके उस पर्टिकुलर ग्लैंड पे जाती, बोलती है कि भाई ये हार्मोन तुमको रिलीज करना है, ठीक है। तो इसलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और मास्टर ग्लैंड का मास्टर कौन है, इट्स द हाइपोथैलेमस, ठीक है। समझा पा रही हूँ मैं अपनी बात को, तो ये यहाँ पर भी काम करता है। तो ये बड़ा ही ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं हम मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन कहाँ पे था, ये देखिए ये एरिया क्या था, मिड ब्रेन, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट है, सेंट्रल पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। तो ये फोर ब्रेन के बाद हम कहाँ पे आ गए, ये मिड ब्रेन पे, ठीक है। इसमें दो पार्ट मेनली होते हैं इसके, टेक्टम और टेगमेंटम, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा रोल आपके में नहीं है, आपके बुक में नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए सोचा आपको बता देते हैं, तो मैंने इसको डाल दिया। तो ये जो टैक्टम है ये क्या होता है, रिफ्लैक्स मूवमेंट्स जो होते हैं, रिफ्लैक्स मूवमेंट्स जो होते हैं, आप अचानक से आपको कुछ क्लिक किया जाता है, आप मूव कर जाते हैं, तो वो सारे यहाँ मिड ब्रेन से करते हैं। आई एंड नेक मसल्स जो होता है उसमें भी ये हेल्प करता है, उसके भी जो मूवमेंट होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। अब दूसरा पार्ट है टेगमेंटम, ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है, आपके सोने में हेल्प करता है, आपकी अटेंशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको भी रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मिड ब्रेन के फंक्शंस हैं, ऑब्वियसली यही करता तो यही फंक्शन होंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये पार्ट, आई एम सॉरी, फर्स्टली आई मस्ट इरेज दिस, पिछली स्लाइड का आ गया, यस। ये थोड़ा सा ब्रेन जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर मैं चाहती हूँ आप इसे एक ही वीडियो में देखें, वजह ये है कि समझ में आया तो इकट्ठा आएगा, पार्ट्स में समझ में नहीं आएगा, इस वजह से मैं इसे सिंगल वीडियो में लूंगी। पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाए आप खुद उसे दो पार्ट में देख लीजिएगा, बट मैं आपको एक सिंगल पार्ट में ही पूरा ब्रेन समझाऊंगी, ठीक है। अब आप आ जाइए हाइंड ब्रेन पे। तो हाइंड ब्रेन जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये रहा हाइंड ब्रेन, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, पोन्स है, मेडुला ओब्लांगाटा और पूरा नाम है इसका, और ये सेरेबेलम, ठीक है, ये सेरेबेलम, मैंने बताया था ना घंटी कहाँ पे होती है, पीछे के साइड में, जो मम्मी के टक करते ही तुरंत बजने लगती है, ठीक है। जस्ट फॉर फन मैं आपको ऐसी कुछ चीजें आपको बोल देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कि जब भी आपको सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूजन होगा तो आपको ध्यान रहेगा घंटे नीचे की साइड और जस्ट उसके अपोजिट सेरेब्रम, ठीक है। तो ये जो हाइंड ब्रेन होता है, तो हाइंड ब्रेन किस किस से बना होता है, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लांगाटा एंड पोन्स, ठीक है, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लांगाटा एंड पोन्स, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लांगाटा एंड पोन्स, ये देखिए इतना सा पार्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पूरा एंड दिस एरिया, दिस इज अ हाइंड ब्रेन। इसे हिंड मत कहिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज हिंड ब्रेन, दैट इज नॉट अ हिंड ब्रेन, इट इज अ हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड लैग्स, हाइंड ब्रेन यानी पीछे के पैर, जब हम इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में कहते हैं हाइंड लैग्स,
यानी पीछे के पैर, हिंड लेग्स नहीं होता, सेम हियर, इट्स अ हाइंड ब्रेन नॉट हिंड ब्रेन, ठीक है। अब आ जाइए सेरेबेलम के फंक्शंस पर, ये इक्विलिब्रियम के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, आई मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, वॉलेंट्री कंट्रोल्स में हेल्प करता है। अब ये वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है भाई, देखिए आपकी बॉडी में दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, ठीक है, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। क्या आप अपनी हार्ट की मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई दो मिनट बाद धड़कना भी मत धड़को, इज इट पॉसिबल? नो, तो इट्स अ इनवॉलेंट्री, जो हमारे काबू में नहीं है। आप अपने हाथ को कहिए ऊपर नीचे, कहिए ऊपर चला जाएगा नीचे, कहिए नीचे चला जाएगा, तो ये आपकी इच्छा से ये मूव हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये किसको डील करता है, ये वॉलेंट्री यानी आपकी ऐच्छिक मूवमेंट्स को डील करता है। समझा पा रही हूँ मैं अपनी बात को? आप जब दौड़ते हैं, आप जब चलते हैं या फिर आप स्विम करते हैं, इन तीनों ही कंडीशन में ये जो आपका बैल होता है ना, ये दिस एरिया, ये जो होता है ये आपको आपका बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, आपको बैलेंस रखता है। समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है, आपको इक्विलाइज रखता है एकदम से। तो आपने देखा पीछे अगर किसी वजह से चोट लग जाए इस एरिया में, ये देखिए छोटा दिमाग में अगर ये चोट लग गया है, तो क्या क्या होता है, बचपन में छोटा दिमाग बोलते थे ना, जस्ट अ कॉमन लैंग्वेज, जस्ट फॉर फन, इसमें अगर चोट लग जाए तो पैर डगमगाने लगते हैं। क्यों डगमगाने लगते हैं, आपने देखा होगा, अच्छा मूवीज में देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, हीरो के पीछे सिर पे आके एक लोहे की रॉड मारी जाती है, अचानक से वो डगमगाने लगते हैं उसके पैर। क्यों डगमगाने लगते हैं भाई, क्योंकि सेरेब्रम से चोट लगी है, सॉरी सेरेबेलम पे चोट लगी है, सेरेबेलम पे चोट लगी है, इक्विलिब्रियम तो उसका डगमगा जाएगा ही, ठीक है, धड़ाम से गिर जाता है, देखा है, तो वो सब इसी की वजह से होता है। तो ये जो सारे फंक्शन है वो किसके हैं, सेरेबेलम के, नॉट सेरेब्रम के। सेरेबेलम यानी बैल कहाँ पे, यहाँ पर, इसके अपोजिट कौन सा है, सेरेब्रम, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। अब हम बात करेंगे मेड्यूला ओब्लांगेटा, बड़ा मतलब एक स्टाइलिश सा नाम है, मेड्यूला ओब्लांगेटा, दिस इज द एरिया, ठीक है, मेड्यूला। ये क्या करते हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शंस को करते हैं रेगुलेट। जैसे ऑटोनॉमिक फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था, कि आप अपने हार्ट बीट को रेगुलेट कर सकते हैं, नहीं, अपनी सांसों को रेगुलेट कर सकते हैं, नहीं, अपने डाइजेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, कह सकते हैं कि भाई अभी पेसिडेंट मूवमेंट तो रुक जा, थोड़ी देर बाद डाइजेशन स्टार्ट करना, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये किससे होता है, मेडुला ओब्लांगेटा से, जो कि किसके साथ डील करता है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस के साथ में। और ये क्या करता है, आप देख पा रहे हैं इसको, ये स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स को करता है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हैं, बोन्स देख रहे हैं, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ये जॉइंट करता है, लिंक करता है, ठीक है। एंड और ये पोस्चर्स में भी, पोस्चर मेकिंग में भी ये हेल्प करता है, रिफ्लेक्सेस में भी ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, आपका मेड्यूला ओब्लांगेटा। तो मेड्यूला ओब्लांगेटा इज आल्सो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे बढ़े इसके साथ ही, तो इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे पोन्स के और ब्रेन के आज के आखिरी पार्ट के बारे में। तो पोन्स किस में डील करती है, आपकी स्लीप साइकिल को करती है डील। आपको ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही नींद आना शुरू हो जाती है, होता है ऐसा, है ना, आपने देखा उस समय, जैसे जब हम लोग यहाँ से कहीं चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि स्लीपिंग साइकिल बिगड़ जाता है, ठीक है। तो वो सब किससे रेगुलेट किया जाता है, पोन से रेगुलेट किया जाता है। और आपकी रिस्पायरेशन की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, आप तेज तेज सांस लेंगे या धीमे धीमे लेंगे, आराम आराम से लेंगे या बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे, तो वो किससे डील किया जाता है, वो पोन से डील किया जाता है। और सेरेब्रम और मोटर कॉर्टेक्स के बीच में, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा
हार्ड है और या फिर काम का भी नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। सेरेब्रम और मोटर कॉर्टेक्स जो होती है उसके बीच में भी ये पोन्स, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इन पोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डील करती है, ये सेंसेशन के लिए हेल्पफुल होती है, जो पोन्स जो होती है सेंसेशन के लिए हेल्प होती है, सेंस ऑफ टेस्ट, सुनना और आपको बैलेंस रखना, ठीक है। तो ये इसके लिए कौन हेल्पफुल होता है, आपके पोन्स हेल्पफुल होता है। एक ही फंक्शन के लिए कभी कभी ब्रेन के एक से ज्यादा ऑर्गन्स जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों जगह पे उस चीज को याद कर लीजिएगा। अब चलिए, अब एक एक चीज को फिर से एक छोटा सा रिविजन, उल्टा रिविजन करते हैं, ठीक है। तो हमने जब पोन्स के बारे में बात करी, तो हमने किस रीजन के बारे में बात करी, हमने इस रीजन के बारे में बात करी, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद आप देखेंगे, पोन्स से पहले आपने मेड्यूला ओब्लांगेटा के बारे में बात किया, ठीक है। तो आपने किस रीजन के बारे में बात करी, आपने मेड्यूला यानी इस रीजन के बारे में बात करी, ठीक है। पहले मुझे रेज कर लेन दीजिए, ओहो रेज की जगह और बढ़ गया है। अभी मैं आपको समझाती हूँ हमने किस रीजन के मेड्यूला के बारे में बात करी। तो ये देखिए, पहले पोन्स के बारे में बात करी थी, अभी किसके बारे में बात करी, मेड्यूला ओब्लांगेटा के बारे में बात करी, ठीक है। अब इससे पहले हमने बात करी किसके बारे में, सेरेबेलम के बारे में बात करी, यानी इस ताल के बारे में बात करी, दिस वन, ठीक है, इसके बारे में बात करी। उससे पहले हमने किसके बारे में बात करी, इससे पहले हमने बताया था कि तीन पार्ट होते हैं हाइंड ब्रेन के, आपका हाइंड ब्रेन ये रहा, पोन्स मेडुला एंड सेरेबेलम, पोन्स मेडुला एंड सेरेबेलम, ठीक है, क्लियर है बात। अब मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे, तो मिड ब्रेन कौन सा था आपका, ये वाला था मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट थे, टेक्टम एंड टेग्यूमेंटम, ठीक है। इससे पहले आपने किसके बारे में बात करी थी, आपने हाइपोथैलेमस के बारे में बात करी थी, तो हाइपोथैलेमस कहाँ पे था, ये यहाँ, ठीक है, ये पार्ट जो था दिस वाज हाइपोथैलेमस, ऊपर थैलेमस और उसके बाद क्या था, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और कौन सा पार्ट था फ्रेंड्स, सेरेब्रम, ठीक है, यही तीन पार्ट थे। क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक बाद में करेंगे, पहले इस जो हमने गड़बड़ लिखा हुआ है उसको, गड़बड़ तो नहीं लिखा है इसको, ठीक है। अब हम इससे पहले जाएंगे सेरेब्रम में, देखिए फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट थे, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, दिस पार्ट इज थैलेमस, ठीक है, समझ पा रहे हैं, समझा पा रही हूं मैं। अब देखिए पार्ट ऑफ ब्रेन थे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये देखिए ये ब्रेन, ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था क्या क्या होता है, फिर ब्रेन को आपने कंपेयर किया था यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये डायग्रामेटिक है, ये रियल ब्रेन है, तो इन दोनों को चीजों को आपको इसलिए मैंने समझाया, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है अजीब लग सकता है, पर समझाया मैंने इसलिए था ताकि आपको ईजी रहे। ये देखिए ये एरिया, ये एरिया, ठीक है, आप एक दूसरे से इसको रिलेट कर पाए, इसके लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में ब्रेन के पार्ट पढ़े, फिर आपने फोर ब्रेन पढ़ा, फिर आपने फोर ब्रेन का पहला पार्ट सेरेब्रम पढ़ा, फिर थैलेमस पढ़ा, फिर हाइपोथैलेमस पढ़ा, फिर आपने मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा जिसमें टेक्टम एंड टेग्यूमेंटम दो पार्ट थे, फिर हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ा जिसमें सेरेबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा एंड पोन्स थे, ठीक है। फिर आपने सेरेबेलम के बारे में पढ़ा, फिर मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में पढ़ा, फिर पोन्स के बारे में पढ़ा, और इसके बाद में थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जो जरूरी काम है बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे, और इसके सिवा इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे चैनल को, है ना फ्रेंड्स। देखिए नॉलेज जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी, और आपके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्रिप्शन ही हमारा टॉनिक है, तो होप आप ये टॉनिक हमको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।